नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। लेकिन शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे कल, क्योंकि आज जिस तरीके से बाजार में शॉर्ट कवरिंग आया ना फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि बाजार हिल रहा है। राइट, ऑप्शन चेन का डेटा देखने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि बाजार आज ही उड़ जाएगा, और इतना बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आया। मेरे पास पोजीशन है और कल भी मैंने शेयर किया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, मैंने सेम पोजीशन कैरी किया है लेकिन क्वांटिटी थोड़ा ऐड किया हूँ, और एक अच्छे प्रॉफिट मैंने आज क्लोज किया है। अगर कल कंटिन्यू रहता है, जैसे मैं कल आप लोगों को शेयर किया था कि निफ्टी जब तक 18,700 के बिलो क्लोज नहीं देगा, ये शॉर्ट नहीं करेंगे, स्टैंड लाइन के नीचे जब तक नहीं जाएगा शॉर्ट नहीं करेंगे, और बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आया। जब मॉर्निंग में ना एक 15 मिनट के चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो मैं कंफर्म हो गया। इधर 200 EMA भी था मेरे साथ, जितने लड़के ट्रेड कर रहे थे मैंने सबको बोला कि भले लॉस खाएंगे यार, लेकिन ना इसमें ट्रेड बनाओ। आज कल 4 बार में ट्रेड हुआ था, आज बहुत अच्छा ट्रेड रहा। ठीक है, एक ही ट्रेड डाले, एक अच्छा ट्रेड रहा और बहुत अच्छे लेवल में जाके क्लोजिंग दिया है, और एक क्लोजिंग मुझे लगता है कि बाजार को लेके जाएगा ऑल टाइम हाई के आसपास। कल अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलता है तो ट्रेड सुबह मॉर्निंग में बनेगा। मैं सोच रहा था कि बाजार हैमर जैसा क्लोजिंग देगा, इसी आसपास क्लोजिंग देगा, तो मैं नेकेड पुट शॉर्ट करके जाऊंगा, और मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी शॉर्ट करके जाऊंगा, लेकिन लास्ट मिनट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया तो फिर मैं इसमें कोई ट्रेड एक्स्ट्रा बनाया नहीं। मैं लॉजिक शेयर कर रहा था और अभी भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जब भी बाजार लोअर लेवल से रिवर्स किया है, हैमर जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है ना, तो उसके बाद जो बाजार का हाई लगा है ना वो ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है, तो क्यों ना कल ऑल टाइम हाई या परसों ऑल टाइम हाई टेस्ट कर जाए। मैं देख रहा हूँ कि अगर मार्केट 18,890 के ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोजिंग दिया तो अगला मोमेंट एक और बड़े कैंडल के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर 18,890 में मार्केट क्लोज कर रहा है तो गलती से कोई शॉर्ट का ट्रेड ना बनाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस वाला हो सकता है। मैं इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं एक बड़ा कैंडल की, एक बड़ा मोमेंट की उम्मीद करूंगा, मतलब 19,000 का भाव मुझे देखने को मिल सकता है, ऐसा चार्ट मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट होना होता बाजार हो जाता, राइट, अब शॉर्ट नहीं हो रहा है। देखिए, अब इस ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा, अब इस ट्रेंड लाइन को मैं डालूंगा इसके नीचे, ठीक है, और जब तक अब इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, ये हुआ निफ्टी में। बैंक निफ्टी, अब देखिए इसके बिलो शॉर्ट नहीं होगा। सुबह सुबह आज हमें थोड़ा सा बहुत पैनिक करवाया था, डरवाया था ये, राइट, और जब ये कल का लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर इस लो को, मतलब ये एक्सपायरी डे का लो है, एक्सपायरी डे का लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया। मॉर्निंग मेरा इस कैंडल में मैं एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था, राइट, और यहाँ पर 150 पॉइंट मुझे गेन भी हो रहा था, लेकिन जब ये रिवर्स कर रहा था ना तो बहुत बढ़िया यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, राइट, ये रिवर्सल यहाँ पर कंफर्म हुआ है। ओके, मैंने आप लोगों को फ्री क्लासेस में बताया है कि 520 का क्रॉस ओवर मिलेगा ना तो बहुत अच्छा, ये देखिए, तो एक ये कंफर्म हुआ इसके ऊपर, राइट, यहाँ पर कंफर्म हुआ। लेकिन आप देखिए, इससे पहले मैं टाइम आपको शेयर करता हूँ, 11:30, 11:30 से पहले आसपास, ठीक है, ये निफ्टी में ना क्रॉस ओवर हो चुका था, आप देखिए यहाँ पर टाइम, हाँ देखिए 11:30 बजे आसपास ही क्रॉस ओवर हो चुका था, तो एक बढ़िया सेटअप था ना यहाँ पर। कल ही मैंने आप लोगों को शेयर किया है कि हायर हाई वाला सेटअप बनेगा तो इसमें ट्रेड बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट का ट्रेड बनाया था, उसे कॉस्ट टू कॉस्ट में कट किया और फिर मैं इसमें अपर साइड का ट्रेड बनाया, बुलिश ट्रेड बनाया, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आया, और अगर आज भी शॉर्ट रहता ना तो फिर से ट्रिप होता मैं, राइट। तो चलिए, अच्छे जगह में सही डिसीजन लिए और मार्केट अगेन हायर साइड में आके क्लोजिंग दिया है। मेरा व्यू भी था कल, जैसे मैंने शेयर किया था आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर ना बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वेट करिए या अवॉइड करिए, राइट, और इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट किया था, तो मुझे लगा था अगर ये कंटिन्यू में चले जाएगा तो एक बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, अदरवाइज एक कैंडल का ऐसे लेंगे क्या जाएगा, 20-25-50 रुपए जाएगा, राइट, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था। ओके, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑप्शन चेन शेयर करूंगा दोस्तों, और जब मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा था ना तो स्पेशली फिन निफ्टी में ना हैवी हैवी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ था 96 लाख का। शायद मैं फिन निफ्टी में ना जब से ट्रेड कर रहा हूँ 96 लाख का शॉर्ट कवरिंग में देखा ही नहीं था कॉल साइड में, तो मैं समझ गया था कि ये जो मूवमेंट आएगा ना आज ये बड़ा मूवमेंट आएगा। लगभग ये 12 बजे आसपास आया था
और इसके बाद ना फिन निफ्टी लगभग 180 पॉइंट का मूवमेंट अपर साइड में दिया, तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आया। इसके बाद मैं देखा कि कल, जैसे मैं फ्री क्लासेस में आप लोगों को बता रहा था कि लोअर साइड में कल पुट में अनवाइंडिंग हुआ है, आज पुट में अच्छा राइटिंग हुआ है, और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी दोस्तों, वहां वहां तक इसमें कॉल साइड अनवाइंडिंग नजर आ रहा है। इसका मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है बाजार में और कॉल में लोगों ने एग्जिट किया है, और जब ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन स्क्वायर अप करता है ना, तो मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक मूवमेंट बड़ा आने वाला है कल वल, ठीक है, या परसों हो सकता है, एक बड़े मूवमेंट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी का देखें दोस्तों, ऑप्शन चेन, तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इधर आईटीएम पुट में भी अनवाइंडिंग है। ये थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रही क्यों आईटीएम पुट में अनवाइंडिंग है, जबकि इधर राइटिंग होना चाहिए, लेकिन कॉल में ना ह्यूज अनवाइंडिंग है। जहां जहां तक देखेंगे वहां वहां तक अनवाइंडिंग नजर आएगा। मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, जो ऑप्शन सेलर है अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, या फिर आज ट्रेप हुए होंगे जब बाजार नीचे आया था, तो ये जो शॉर्ट किए रहे होंगे पहले, उन लोग शायद पोजीशन एग्जिट किए होंगे, क्योंकि सुबह हमें भी काफी डर लग रहा था मार्केट को देख के, ठीक है, जिस तरीके से बाजार नीचे गिर रहा था। ओके, फिर बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग आके बाजार में अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिला है फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे एक दिन पहले हुआ था यहाँ पर, ठीक है, इसी टाइप का सेटअप मैं फिर से देखूंगा लोअर साइड में 43,600 के आसपास, 43,600 और ये रेंज। लेकिन ना मैं इस रेंज को देखूंगा कल जब यहाँ पर आएगा ना, तो कैंडल स्टिक पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे यहाँ ट्रेड किए थे कि यहाँ पर आएगा रीटेस्ट में हम लोग शॉर्ट कर देंगे आईटीएम। मैं यहाँ वेट करूंगा 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में रिवर्सल सेटअप बने का, इस टाइप का सेटअप बने का, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई क्रॉस ओवर देखने का। ठीक है, फिर मैं यहाँ से ट्रेड बनाऊंगा और ट्रेड 44,000 का रहेगा, ऐसा मेरा इरादा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए खुल गया 44,000 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टडल जैसा पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं होगा। मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग उम्मीद नहीं करूंगा, जैसे यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ मैं ऐसा उम्मीद नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 9:30 के बाद मार्केट सस्टेन कर जाए, तो फिर हम लोग स्टडल जैसा प्लान कर सकते हैं, एटीएम कॉल पुट सेल करके और 20% का बोथ साइड एसएल डाल देंगे। अगर ऊपर चला गया कॉल में एसएल हिट हो जाएगा, पुट होल्ड कर लेंगे, नीचे चले जाएगा तो जो भी प्रॉफिट लॉस रहे, जिस समय कट होगा उस समय अपन कट कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं पोजीशन होल्ड करूंगा, अदरवाइज इसी जगह में जितना मार्केट अपने को प्रॉफिट दे देगा वो पोजीशन अपन होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, मैं थोड़ा साइडवेज प्लान करूंगा। लेकिन ना निफ्टी बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे, निफ्टी स्ट्रांग लगता है, और निफ्टी शायद अपर साइड में ट्रेड कल आपको ऑल टाइम हाई के आसपास दे दे, या फिर अगर ये नीचे आ जाए तो, अगर नीचे आ जाए तो इसी भाव के आसपास हमें ट्रेड मिल सकता है, इस भाव के आसपास हमें ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट किया है इसकी, जो क्लोजिंग है यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है, सेटलमेंट प्राइस। तो कल अगर खुल के नीचे आता है, नीचे से कोई रिवर्सल मिल जाए, तभी इसमें बाई करेंगे और टारगेट रखेंगे ऑल टाइम हाई, ठीक है, 18,890, और उम्मीद करेंगे 890 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो एक्सपायरी डे के लिए ना अपन बुलिश पोजीशन बना के जाएंगे। ठीक है, ऐसा व्यू रहना चाहिए दोस्तों। फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा मैं बाई यहां पर अवॉइड करूंगा, मेरे पास पोजीशन है, और ऊपर जाएगा तो मैं बाई अवॉइड करूंगा, लेकिन खुल के नीचे आ जाए या डायरेक्ट नीचे खुले, तो यहां से अगर कोई सेटअप मिलता है स्मॉल टाइम फ्रेम में, 3 मिनट या 5 मिनट में क्रॉस ओवर या फिर बुलिश पैटर्न, तो फिर नीचे से अपन एक रिकवरी का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, ऐसा प्लान होना चाहिए, खुल के सीधा ऊपर जाएगा इसमें ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको अवॉइड करना चाहेंगे, राइट। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है, या सपोज करो दोस्तों कि कल इसकी क्लोजिंग इधर मिलता है, ऊपर खुले और इसकी क्लोजिंग इधर मिलता है, तब भी इसमें ना बुलिश पोजीशन बनाना चाहिए एक्सपायरी एक्सपायरी के लिए। ठीक है, कल बुधवार होगा और गुरुवार को एक्सपायरी होगा इसका, राइट, तब भी इसमें बुलिश पोजीशन बनाना चाहिए। फिर हम लोग 3 बजे कोई प्लान करेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के लिए शेयर करने की कोशिश करूंगा, राइट। चलिए, तो ओवरऑल दोस्तों व्यू बुलिश है, नीचे आएगा बाई का प्लान करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई सेटअप मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अब मैं स्टॉक शेयर करता हूँ दोस्तों, मारुति। ऑलरेडी मैंने मारुति में ट्रेड पहले से दिया हुआ है, पोजीशन चल रहा है, हैमर जैसा कैंडल बना हुआ है, राइट। कल भी मैं बताया था कि 95 मिनट के आसपास ट्रेड देगा, लेकिन आज मॉर्निंग में खुला बहुत स्पीड में नीचे आया, आखिरी मिनट में मैंने इसमें पोजीशन बनाया है, ठीक है, अगेन नया पोजीशन बनाया है। कल का टारगेट मेरा 9600 का है, मुझे लगता है 9600 तक चले जाएगा। सुबह सुबह अगर ये 94
94 90 मतलब 9500 में अगर आपको ट्रेड मिलता है तो इसमें 30 40 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड का प्लान करना चाहिए और इसी जगह से बाई करना चाहिए, मॉर्निंग में ही बाई करना चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, शायद 50 रुपए स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, टारगेट आपको यहाँ 9600 का मिलेगा। 9600 क्लोजिंग का जाएगा तो आप टारगेट उम्मीद करिए 9800 का, ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए दोस्तों। चलिए एबीएफआरएल, आज इसमें मूवमेंट नहीं आया, मैंने सुबह ही ट्रेड दिया था, इसमें मूवमेंट नहीं आया है, कल फिर से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, 213 में ही बाई करना चाहिए, राइट, और 2 रुपये कैसे डालेंगे, मतलब कल स्टॉप लॉस 211 का रहेगा और टारगेट हम लोग इसमें रखेंगे 216 218 का। ओके, नजर रखिएगा, ये निकल जाएगा और इसे ना निकलेगा तो जैसे मैंने बताया है आप लोगों को 225 का टारगेट देगा, एक ही दिन में बड़ा ट्रेड देने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मैंने इसका बीटीएस से ट्रेड दिया है, सुबह सुबह आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, इसी भाव में ट्रेड करना चाहिए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, और फ्यूचर में ट्रेड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 566 का स्टॉप लॉस रहेगा, 566 का स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसमें कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1500 का लॉट है, शायद फ्यूचर नहीं कर पाएंगे तो कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपको ट्रेड करना चाहिए 568 के आसपास, स्टॉप लॉस 566 का, 5 मतलब 2 रुपए की स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, 568 में हमारा बाई होगा, ठीक है, और अपर साइड में टारगेट हमारा 575 का होना चाहिए। तो एटीएम का चाहें तो कॉल भी आप इसमें बाई कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 रुपए के स्टॉप लॉस लगेगा, इससे ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आईआरसीटीसी, 2 3 दिन से मैं वॉच कर रहा हूँ इसको, जिस दिन ब्रेकआउट दिया है, और इसको मुझे बाई करना है जब ये 658 आएगा, तब कल नजर रखिएगा 658 आएगा। अब हम लोग इसमें एक कैंडल का स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर मान लीजिए कि ये भाव टेस्ट कर रहा है उस समय भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर इनसाइड बनेगा तो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ से ना रिवर्सल बहुत बढ़िया आएंगे जैसे एबीएफआरएल में आया था, ठीक है, तो नजर रखिएगा कल आपको ये 560 माफ करना 658 658 में ही अपन बाई करेंगे, यहाँ पर 10 50 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए इसी तरीके से दोस्तों भारत फोर्ज, भारत फोर्ज को भी नजर रखिएगा, भारत फोर्ज को ट्रेड करेंगे इस लाइन में, राइट, मतलब भारत फोर्ज हमको ट्रेड देने वाला है 808 में, 808 में ही ट्रेड करेंगे, राइट, 817 में ट्रेड दिया है, थोड़ा सा रिवर्सल का को भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहां पर आएगा तब ट्रेड करूंगा और हमारे लिए क्या 5 6 रुपए की स्टॉपस लगेगा, टारगेट हमारा यहाँ होना चाहिए, तो इसमें बुल स्प्रेड बना सकते हैं अपन। ओके, नजर रखिएगा, इनमें ट्रेड आपको कल मिलना चाहिए, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, बट ट्रेड देखे जाएगा अच्छा रहेगा, बिना रिट्रेसमेंट से पहले नहीं जाएगा स्टॉक, तो पहले ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर व्यू और लेवल, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।